बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और किस तरह की जा रही है आपकी ईद? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी तो हम लोग जो है सुबह सुबह उठे, वही रूटीन में फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद तकरीबन थोड़ी देर बाद ही थी ईद की नमाज़। 5:30 पर हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, थोड़े से काम सोचा जल्दी जल्दी से ना खाना वगैरह भी बना के रख देती हूँ, और खाना वगैरह बनाया और फिर उसके बाद मैं सो गई। तो सो के अभी उठी हूँ और तैयार हुई थोड़ा सा और सोचा कि अब ना भूख भी बहुत लग रही है तो अभी खाना खाएंगे हम लोग। तो जी मेरा ईद का ड्रेस है, इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है और कुर्ता है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके साथ ऑफ वाइट सा जो है ट्राउज़र है इसका। तो ये मैंने मंगवाया था, पाकिस्तान से आया था, मेरा बाजी ने भिजवाया था वहाँ से, बड़ा प्यारा लग रहा है। एक मिनट मैं कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसके दामन पे ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाजू के ऊपर भी है ये नेट लगी हुई है और साथ में इसके एम्ब्रॉयडरी है, बड़ा प्यारा लग रहा है। रूहान ये क्या कर रहे हैं आप? शो मी ओए, इसकी काबू आ गई है ये। रूहान लुक एट मी, उठते ही शुरू हो गया। अभी बस उठा था, इसको मैंने खाना खिलाया और इसको चेंज करवाया नहला के, तो बस ये शुरू हो गया। इसके सेल निकाल दिए जी। बेटा गिव मी, नहीं देगा, अपना काम पूरा करके हटेगा। अभी खा रहे हैं जी खाना, और खाने में मैंने बनाया था मटन और इसके साथ बस फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि हमारा प्लान है रात का खाना जो है हम लोग बाहर खाने जाएंगे और वैसे भी किसी की तरफ इनवाइटेड भी हैं हम लोग, तो उधर भी जाना है हमें, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया था कि चलो बस खाना खाएँगे और जो है फिर उसके बाद शाम में हम लोग निकल जाएँगे बाहर घूमें फिरेंगे, रूहान को लेके जाएँगे बाहर। तो यहाँ पे खाना खा लिया था और साथ में जी कस्टर्ड बहुत ही मज़े का बना है, वैसे काफ़ी दिनों के बाद बनाया था, रमज़ान में तकरीबन पूरे रमज़ान मैंने जो है ना नहीं बनाया था, तो क्योंकि रात को हम लोग खाना ही नहीं खाते थे और खाना अगर खाएं तो उसके बाद फिर मीठा वगैरह खाया जाता है, तो मैं नहीं बनाया था। तो आज जो है तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जो है ना ये मैंने कस्टर्ड बनाया है, रूहान के लिए बनाती रहती हूँ, उसको देती हूँ तकरीबन 2-3 दिन के बाद, उसके लिए तो बनता है लेकिन हम लोगों ने खाने के लिए जो है ना नहीं बनाया था, वो बहुत ही मज़े का बना है। अभी मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि आज मैंने नाश्ते में चाय नहीं पी थी और मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैं कभी नाश्ते में चाय स्किप कर देती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे सर में ना दर्द शुरू हो जाती है। तो वैसे भी सो गए थे तो जब सो के उठी हूँ हल्की हल्की सी मुझे ना फील हो रहा था सर में दर्द, और खाना वगैरह खाया था और अभी फिर मैंने सोचा कि अपना चाय पी ली जाए। रूहान वो मेरे पीछे लेटा हुआ है सोफे पे, रूहान पता नहीं क्यों थक गया, हालांकि उठा भी तकरीबन ये कोई 12 बजे के करीब उठा और इसको नहला के खाना वगैरह खिला के फिर खेल रहा था और अभी लग रहा है फिर ये इसको नींद आ रही है और वहीं पे लेट गया टीवी देखते देखते। बस ईद का दिन जो है ना, पहले हमारा प्लान था जाने का कि उमरे पे चले जाएं या फिर मदीना शरीफ में जाके ईद की नमाज पढ़ें, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि वसीम को ना बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था कल से, तो फिर कहते कि इतनी लंबी ड्राइव ज़ाहिर है 9-10 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो कहते फिर ना मुश्किल है कि मुझसे फिर इतनी लंबी ड्राइव जो है ना नहीं होगी, तबीयत ठीक नहीं है, फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। तो फिर सोचा कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे उम्रे पे चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो बच्चे अलाउड नहीं होते थे ना अंदर लेके जाने, तो अभी तक जब से रूहान पैदा हुआ है तकरीबन माशाल्लाह ये 2.5 साल का हो गया, अभी तक इसको जो है हम लोगों ने मतलब अंदर उम्रे के लिए नहीं ले जा सके ना, तो मैंने सोचा कि अभी तो ओपन हो गए हैं फिर हम लोग ईद पे चले जाते हैं उम्रा भी कर लेंगे, लेकिन बस अभी शायद मंजूरी नहीं थी तो हम लोग नहीं जा सके। इंशाल्लाह प्लान है कि फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि हम लोग जो है फिर जाएँ इंशाल्लाह उम्रा करें और रूहान को जो है फिर हम लोग साथ लेके जाएंगे।
चलिए जी, वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और पाकिस्तान वालों को एडवांस में ईद मुबारक। अगर कल व्लॉग बनाया तो फिर इंशाल्लाह उनको दोबारा से विश कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।